हेर तेरा नाम शरीफ काम गुंडों के। ये दूसरे मुल्क का जो प्रधानमंत्री उसके नाम में शरीफ लगता है। हो तेरा नाम शरीफ काम गुंडों के, तेने लोक लाज सब खो दी। और सजनों, एरे 56 इंची सीने वाला देख लिया मारा मोदी। नाम शरीफ काम गुंडों के, लोक लाज सब खोदी। एरे 56 इंची सीने वाला देख लिया मारा मोदी। तेरा नाम शरीफ काम गुंडों के। सब फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, ज्यादातर ऐसा जमाना हो गया सोशल मीडिया का। एक चीज बड़े लोग भेज रहे हैं लिख लिख के कि भारत वर्ष 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और उसी दिन पाकिस्तान का जन्म हुआ था, पर कोई ये नहीं बता सकता कि भारत का जन्म कब हुआ था। और लोग अब ये कह रहे हैं कि ये प्रकृति का नियम है, जिसका जन्म होता है, पाकिस्तान का जन्म भी उसी दिन हुआ था, उसकी मृत्यु निश्चित है, तो इस पाकिस्तान की मृत्यु भी हमारी सेना के हाथों निश्चित है। क्योंकि छोटा भाई करके बहुत रुपया इसको दिया है, बहुत इसका सम्मान किया है। इसलिए कभी लिखता है कि अब जम्मू कश्मीर में कत्ले आम नहीं होने देंगे, अब जम्मू कश्मीर में कत्ले आम नहीं होने देंगे, संसद पे हमले जैसा इंतजाम नहीं होने देंगे, और विश्व के अंदर पाकिस्तान तेरा नाम नहीं होने देंगे। अब एक बार जंग छिड़ा तो युद्ध विराम नहीं होने देंगे, अब एक बार जंग छिड़ा तो युद्ध विराम नहीं होने देंगे। एरे छोटा भाई समझ तुझे हमने बार बार समझाया, लेकिन अपनी मकारी ते बाज नहीं तू आया। सोते हुयों पे हमला कर दिया, तनिक नहीं शर्माया। जब भारत में मातम छाया था तो तूने जश्न मनाया, जब भारत में मातम छाया था तूने जश्न मनाया। सारे देश बुराई करते तू किसकी बैठे गोदी। 56 इंची सीने वाला देख लिया मारा मोदी। तेरा नाम शरीफ काम गुंडों के। कभी सम्मेलन हो रहे हैं जगह जगह, एक बात बड़ी निकल के आ रही है। माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमने तो छोटे से लेके अब तक बहुत कुछ उनके चरणों में सीखा है। आज जब नौजवान मर जाता है, जब शहीद हो जाता है, तो हमारे कई मुख्यमंत्री तो बड़ाई लूट रहे हैं 5-5, 7-7 लाख रुपया दे करके कि हमने शहीद को 5 लाख दे दिए, 10 लाख दे दिए, 12 लाख दे दिए। लेकिन एक कवि की विष्णु गौड़ जी दो लाइनें हैं, अगर अच्छी लगे तो आप उस कवि का हौसला बढ़ाना कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं, कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, और मानव कीमत लौटा दी है वीर कसूता माओं को, तो लो हम 20 लाख देते हैं तुम किस्मत के हेटों को, और हिम्मत है तो ये मुख्यमंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत है तो ये मुख्यमंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को। जो 5-5 लाख रुपया देकर कर ये कहते हैं कि हमने ये कर दिया, ये अनुचित है। और सजनों, जब 18 नौजवान हमारे मरे तो ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया, उसमें लिखा है तेरे आतंकवादियों ने मारे जवान 18 मारे दिए, गुंडे तेरे 50 तुरंत हमने मौत के घाट उतार दिए। सोते हुए से
शेर भारत के जगह तूने बदकार दिए। अरे मोदी ने अब युद्ध के लिए सेना को अधिकार दिए। अरे मोदी ने अब युद्ध के लिए हमारी सेना को अधिकार दिए। और पाकिस्तान तेरे ही पाले आतंकवादी, तेरे पाले आतंकवादी, अब तेरे ही बने विरोधी। छप्पर की सीने वाला देख लिया तने मोदी, तेरा नाम शरीफ का मेरे। भजन उपदेशक होने के नाते हर जगह जा जा के ये भी कहता हूँ, इस देश में एक नया नेता पैदा हुआ है और जब उसने एक बयान दिया तो पूरे देश ने उसकी निंदा की। एक नेता मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसने कहा था कि भारत की सेना तो कश्मीर की महिलाओं के साथ सिर्फ बलात्कार करती है, इससे बड़े शर्म का कोई बयान हो सकता है क्या सज्जनों? और एक नेता ने तो यूं ही कह दिया था कि चाहे मेरी गर्दन पर छुरी रख दो पर मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अरे हमारे सैनिक जो हमेशा भारत माता की जय बोल करके खत्म हो जाते हैं, और ऐसे लोग जो संसद में बैठे हैं और फिर इस तरह के भाषण दें तो ये निंदनीय है। इसलिए कवि ने दो लाइन और लिखी कि जो भारत को करना नमन छोड़ दे, जो भारत को करना नमन छोड़ दे, चला जा वो मेरा वतन छोड़ दे, जिन्हें मुल्क प्यारा नहीं अपना मजहब प्यारा है वो इस मिट्टी में होना दफन छोड़ दे, इस मिट्टी में होना दफन छोड़ दे। अब सुनिए तीसरी कली में क्या कहा। एरे समझ लिया कमजोर हमें इसलिए करी ना गोर, लेगा क्या कश्मीर बचानी अब मुश्किल लाहौर, पूरे विश्व में कहीं मदद को नहीं मिलेगी ठोर, भारत बिना बचाने वाला दिखे क्या कोई और तने, मोदी का रहा चमक सितारा, मोदी का रहा चमक सितारा, एरे मोदी का रहा चमक सितारा, और पाक की किस्मत बोदी, छप्पन की सीने वाला देख लिया हमारा मोदी, तेरा नाम शरीफ का गुंडों के। बताते हैं कवि लोग और विद्वान लोग कि जब 18 सैनिक एक साथ उनके पार्थिव शरीर उठाए गए तो भारतीय सेना के नौजवानों के आंखों में आंसू थे और प्रतिज्ञा की व्रत लिया गया और उन नौजवानों ने नारा दिया कि शहीदों की मजारों का दिया बुझने नहीं देंगे, शहीदों की मजारों का दिया बुझने नहीं देंगे, अपने इस तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे, अपने खून से सींचा है इस भारत रूपी बगीचे को, इस बगीचे की खुशबू को अब लुटने नहीं देंगे, इस बगीचे की खुशबू को लुटने नहीं देंगे। तो बताया सारी अकड़ लिकड़ जा तेरी, देख जंग कैसा रंग ला, हमसे लड़ने को देखे तू किन किन देशों को संगला, बलूचिस्तान अलग कर देंगे हमने पहले अलग करया बंगला, हर मांगे मिले ना भीख पाक तुझे ऐसा बना दे ये बंगला, मांगे मिले ना भीख पाक तुझे ऐसा बना दे बंगला। धनी राम बेधड़क कहे तुझे अब तो हो गई सोधी, छप्पन इंची सीने वाला देख लिया हमारा मोदी, तेरा
काम गुंडों के। जोरदार ताली। सोनू टैक कैसे।